तो ये दिखाता है कि लालू परिवार के अंदर जो कहिए सरकारी धन को अपना धन समझने का जो कहिए जो एक मुगालता है, उस मुगालते का परिचय हम फिर से देख पा रहे हैं। लाइटें गायब है, लाइटें खोल के ले गए हैं, एसी नहीं है, ठीक है, वहाँ जिम का सामान गायब है, वहाँ आपने देखा होगा बैडमिंटन कोर्ट है वो गायब है। जनता के पैसों से जो सामान लगा था ये सरकारी भवन में, उसे अपना माल समेट करके लपेट करके लेके चले। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए हमारी मौजूदगी पांच देश रत्न मार्ग है। हम बता रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के आवास में चोरी हो गया। हालांकि ये आवास अब सम्राट चौधरी को आवंटित है। कल तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया इस आवास को, लेकिन इस आवास में चोरी का आरोप बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव पे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को चुराया गया है, लाखों की संपत्ति है उसको चुरा लिया गया है। आप देखिए कि ये आवास है, पहले इसमें तेजस्वी यादव रहा करते थे और अब ये आवास सम्राट चौधरी को आवंटित है, आप देख सकते हैं। और हम बात करेंगे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं इस आवास में आए हुए हैं, बात करेंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हो गया है, क्या चोरी हो गया? बिहार को उत्तर प्रदेश की तर्ज पे एक और ठोटी चोर मिला है। जैसा कि श्री तेजस्वी यादव जी के रिश्तेदार अखिलेश यादव जी पूरे भारतवर्ष में टोंटी चोर के नाम से कुख्यात हैं, आप आइए देखिए ये जो बंगला है ये डिप्टी सीएम के नाम से अलॉटेड है, वो देखिए। टोंटी चोर की सबसे बड़ी बानगी देखिए, वो वहाँ पे वॉश बेसिन हुआ करता था, वहाँ पे टोंटियाँ होती थी। ये अभी हम लोग जिस कमरे में खड़े हैं ये देखिए, यहाँ पे पलंग हुआ करता था, पलंग का हेडरेस्ट है, पलंग गायब है, ठीक है, लाइटें गायब है, लाइटें खोल के ले गए हैं, एसी नहीं है, ठीक है, वहाँ जिम का सामान गायब है, वहाँ आपने देखा होगा बैडमिंटन कोर्ट है वो गायब है। मैं तो कहता हूँ कांटे चम्मचों का मिलान बाकी है, क्या पता वो भी ना हो, ठीक है। तो जिस कदर टोंटी चोर और कहिए जो चोरी की जो कहिए जो परिपाटी है लालू परिवार की, वो अभी हमने फिर से देखने को मिल रही है, वही उसी की बानगी है। चारा चोर में आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार जो है, उन्होंने फिर से एक बार अपना कहिए कि जो भ्रष्टाचार है वो फिर से प्रदर्शित किया है कि जनता के पैसों से जो सामान लगा था ये सरकारी भवन में, उसे अपना माल समेट करके लपेट करके लेके चले गए। तो ये दिखाता है कि लालू परिवार के अंदर जो कहिए सरकारी धन को अपना धन समझने का जो कहिए जो एक मुगालता है, उस मुगालते का परिचय हम फिर से देख पा रहे हैं। अभी जैसे जब हम लोग ये यहाँ इसकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उस वक्त कहिए सब परिवार हाथ जोड़ करके जो कहिए बेल की राह तक रहा है। तो और क्या कहा जाए, मतलब देश के चंद परिवारों में से एक परिवार है जिसमें कि जो जैसे शादी ब्याह में न्योता जाता है ना कि सब परिवार पधारें, वैसे शायद कुछ परिवारों में से एक है जहाँ पे कोर्ट में सब परिवार बेल के लिए पधारने का इनको न्योता मिलता है। तो जहाँ भी सब परिवार बेल की राह तक रहा है, वहाँ ये देखिए ये नया खेल उनका बिहार में प्रदर्शित हो रहा है। एक सवाल उठता है कि भवन निर्माण विभाग एक लिस्ट देती है घर खाली करने से पहले और घर खाली करने के बाद, तो उसको क्या उस लिस्ट से मिलान आपने किया है? बिल्कुल मिलान किया गया, वही अभी नीचे आप जाके देखें भवन निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उन्हीं की तर्ज पे तो हमें पता चला कि ये हाइड्रोलिक बेड गायब है, यहाँ से लाइटें गायब हैं, तमाम एसी गायब हैं, फर्नीचर का सामान गायब है। इनफैक्ट कुछ सामान तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये सोफा है, कुछ तो चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे कि बाकायदा कबाड़ी से उठा करके सामान यहाँ पर रख दिया गया। जैसे वो सामने वो टूटा हुआ टेबल, आपको लगता है कि इस टूटे हुए टेबल पर युवराज बैठा करते होंगे कभी, या इसका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा? चाहे वो बाथरूम में जो चीज़ें लगी हैं, बाथरूम वेयर है या बाकी है, मैं 99% सामान जो कहिए गायब है, और जो गए हैं उस सामानों को क्षतिग्रस्त करके गए हैं, जो बचे खुचे भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। कितना का लगभग सामान गायब? अब वो तो भवन निर्माण विभाग की सूची आपको शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी, जो इन्वेंट्री जो है इन्वेंट्री से मिलान करने के बाद से, उसके बाद से कितने का लॉस हुआ है बिहार सरकार को वो आपको शाम तक में हम लोग क्लियर कर देंगे। देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जगह जगह पे दिखा रहे हैं कि क्या क्या कुछ गायब हुआ है। आपको बता दें कि इसमें पल आवास में तेजस्वी यादव रहा करते थे, और देखिए तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगा था कि तेजस्वी यादव हर सुख सुविधा अपने सुख सुविधा के लिए यहाँ पे सब कुछ मुकम्मल इंतजाम किए थे। बाथरूम तक में भी कहा गया था कि एसी लगवाए थे। देखिए ये बाथरूम है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस बाथरूम को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुआ था कि तेजस्वी यादव पांच दशर रत्न मार्ग में बाथरूम में भी एसी लगवाए थे। और साथ ही यहाँ पे पहले जब वो डिप्टी सीएम थे तो उस समय यहाँ पे 40-40 एसी लगवाया गया था, तमाम तरह के
आरोप लगा था। आप देखिए कि ये तेजस्वी यादव का ये आवास था और तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में ये आवास खाली किया गया। और आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव पे बड़ा आरोप लग रहा है कि यहाँ पे लाखों का सामान चोरी हो गया है, तेजस्वी यादव ने सब कुछ खुलवाया के मंगवा लिया है। आप देखिए एक आलिशान घर है और ये हाईटेक एसी है, आप देख सकते हैं ये हाईटेक एसी है। और साथ में आपको बता दें कि इस तरह के तमाम हर एक जो रूम है घर का उस सब में इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि सब कुछ यहाँ से निकाल लिया गया है, 90% सामान भवन निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे आकर सब कुछ जो सामान है उस चीज़ों का मिलान कर रहे हैं। आप देखिए कि ये बेड है और आप देख सकते हैं कि इसे बेड को भी कहा जा रहा था कि हाइड्रोलिक बेड है, पलंग है वो भी गायब है। आप देख सकते हैं कि इस रूम में है, फिलहाल उस रूम को लेकर भी कहा जा रहा था कि हाइड्रोलिक बेड भी गायब है। आपको बता दें कि देखिए ये जो आवास है, बड़ी आवास है, ये CM हाउस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंगला है। और आप देखिए कि ये तमाम जो गार्डन है, तमाम तरह के जो बैडमिंटन कोर्ट है, हर एक सुख सुविधा इस आवास में है। लेकिन अब BJP के तमाम नेता और भवन निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सामान चुरा लिया है, हाइड्रोलिक पलंग हो, सोफा हो, वाश बेसिन हो और AC हो, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है। BJP के नेता भी कह रहे हैं, भवन निर्माण के अधिकारी का हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई बाइट नहीं आया है, लेकिन BJP के तमाम नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि उन लोगों के ही कहने पर हम लोग को ये पता चला है कि आवास में चोरी हो गई है। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव को लेकर अब BJP अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दे रही है कि अखिलेश यादव जिस तरह से UP में टोटी चोरी कर लिए थे उसी तरह से अब ये भी टोटी चोरी कर रहे हैं और तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उसको चुरा रहे हैं। आप देखिए ये भी एक रूम है अच्छे और इसमें सब जो सुविधा होती है वो है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस घर को लेकर तेजस्वी यादव का काफ़ी चर्चा हुआ था कि तेजस्वी यादव इस आलिशान बंगला में अपने सुख सुविधा के सामान लगवाए थे और तमाम जो बाथरूम है उसमें भी AC लगवाए थे। देखिए ये वाश बेसिन है, हालांकि ये टूटा हुआ है, इसको लेकर भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे सामान सब तोड़ फोड़ कर दिया गया है, जो सामान जो नहीं ले जा पा रहे थे तेजस्वी यादव के लोग तो उन्होंने सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप देखिए तमाम जो रूम है उसको हम आपको दिखा रहे थे बारीकी से और देखिए कि कितना आलिशान घर है। और साथ में आप देखिए कि पेंटिंग हो या झूमर हो या सीढ़ी पे जो कालीन लगी है, आप देख सकते हैं कितनी आलिशान ये बंगला है। मुख्यमंत्री एकने मार्ग के बंगला के बाद सबसे बड़ा बंगला DC का ये 5 देश रत्न मार्ग है। बड़ा इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खुले बने रहे, अब FirstBR झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।